यात्रा का 25वां दिन और आज हम आए हैं अंकलेश्वर से आगे एक पौराणिक तीर्थ क्षेत्र रामकुंड मांडवेश्वर महादेव। यह इसका प्रवेश द्वार और यह एक पुरातन जगह है। ये श्री काल भैरव दादा तथा माता का मंदिर है और यह हॉल परिक्रमावासियों के लिए। यह प्राचीन स्थान रामकुंड है। आज हमने जो यहाँ के आश्रम के जो प्रमुख है महाराज जी से यहाँ की जानकारी ली, वो बता रहे थे कि जब भगवान श्री राम लंका का युद्ध जीतकर रावण का उद्धार करने के पश्चात जब वापस आए तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप कुछ समय तीर्थों का भ्रमण करके आइए, और उसी प्रसंगवश भगवान श्री राम यहाँ आए और यहाँ माँ सीता को प्यास लगी तब भगवान श्री राम ने अपनी बाण से इस यहाँ से जल प्रकट करके माँ जानकी को पिलाया था, इसीलिए इस स्थान का नाम है रामकुंड। और यह जो कुंड दिख रहा है यही है रामकुंड। माँ जानकी को प्यास लगने पर जल बाण से यहाँ पर जल निकाल कर जल प्रकट करके पृथ्वी से जो जल प्रकट हुआ था इसलिए इसका नाम है रामकुंड। बहुत प्यारा प्राचीन स्थान है और यहाँ ऊपर भगवान श्री राम और माँ सीता का मंदिर है। सीताराम बेटा सीताराम। यही आश्रम का ही दृश्य है। ऊपर ये जो मंदिर है भगवान श्री राम जानकी का। आश्रम में एक बहुत बड़ी गौशाला भी है। इस आश्रम के द्वारा ही इस गौशाला का संचालन होता है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।